टेक्निक ऑफ क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग। और क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग की बात करें तो कुछ और भी टेक्निक है, लाइक एट्रीब्यूट लिस्टिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग, गॉर्डन टेक्निक या साइनेक्टिक्स, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और डेल्फी टेक्निक। तो सबसे पहला है एट्रीब्यूट लिस्टिंग। एट्रीब्यूट लिस्टिंग क्या होता है? द टेक्निक वॉज डेवलप बाई रॉबर्ट क्रॉफर्ड। इट इन्वॉल्व लिस्टिंग ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम, देन एन अटेम्प्ट इज मेड टू मॉडिफाई ईच एट्रीब्यूट और ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स इन मेनी वेज एज पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि जितने भी एट्रीब्यूट हैं ऑब्जेक्ट की उसको लिख दिया जाता है, फिर उस एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नो आइडियाज आर एक्सेप्टेड रिजेक्टेड अंटिल द आइडिया हैव बीन एनुमरेटेड। ऑल ऑब्स्टिकल टू न्यू आइडियाज आर ओवरकम एंड नॉवेल आइडियाज सेलेक्टेड थ्रू द इवैल्यूएशन प्रोसेस। यहाँ पे ठीक है, उसको सारे ऑल्टरनेटिव मतलब जो है उनको लिख लिए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स को। उसके बाद उसको मतलब इच एट्रीब्यूट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट इन मेनी वेज एज पॉसिबल, ठीक है, उसको मॉडिफाई करा हर पॉसिबल तरीके से। एंड देन और टू न्यू आइडियाज अंदर नॉवेल आइडिया जो मिला उसको फिर सेलेक्ट कर लिया गया। फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या था? ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ऑसबॉर्न ने दिया था, एलेक्स एफ ऑसबॉर्न ने। मतलब यहाँ पे क्या है कि पीपल आर फ्री, ठीक है, अंडर दिस अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज गिवन अ प्रॉब्लम एंड देन आर इनकरेज टू सजेस्ट वॉट एवर सोल्यूशन कम टू देयर माइंड। द डिस्कशन इज फ्री एंड अनहिबिटेड, ठीक है, क्रिटिसिज्म इज प्रोहिबिटेड। देखो एक पूरा रूम दे दिया गया, उसमें सारे लोग को बैठा दिया गया, उनको प्रॉब्लम बता दिया गया और उन्हें बोला कि जो सजेशन देना है दे, मतलब चाहे वो लेम हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सच हो, फिर वो मिलाकर एक प्रॉपर सोल्यूशन लास्ट में दे। क्रिटिसिज्म इज नॉट अलाउड इन दिस ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। गॉर्डन टेक्निक क्या है? सो साइनेक्टिक्स भी कहते हैं, ये विलियम जे जॉर्डन ने दिया था। ये क्या है? इट्स अ वेरिएशन ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये भी ब्रेन स्टॉर्मिंग है लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज है। यहाँ पे क्या है? द पार्टिसिपेंट्स आर केप्ट इन अ डार्क अबाउट द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है जो ग्रुप में जितने भी लोग हैं, ठीक है, दे जस्ट नो द आउटलाइन ऑफ द प्रॉब्लम और उसके हिसाब से फिर उनको डिसीजन लेना है। तो वो नंबर ऑफ डिसीजन होता है, फिर जो उस मतलब प्रॉब्लम से जो रिलेट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। दैट इज़ गॉर्डन टेक्निक साइनेक्टिक। उसमें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, द नॉमिनल ग्रुप इज अ ग्रुप द नेम इन द नेम ओनली। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, द लीडर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन द इंडिपेंडेंटली, ईच मेंबर राइट्स डाउन हिज आइडिया साइलेंटली एंड इंडिपेंडेंटली, ईच मेंबर रिप्रेजेंट हिज ओन बेस्ट आइडिया टू द ग्रुप विच इज रिटन ऑन द ब्लैकबोर्ड फॉर ऑल टू सी। अ डिस्कशन इज हेल्ड टू एक्सप्लेन एंड इवेल्युएट द आइडिया। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में क्या होता है कि लीडर जो है वो एक्सप्लेन कर देता है प्रॉब्लम को टू द मेंबर ऑफ द टारगेट ग्रुप, फिर हर मेंबर को एक पेपर मिलता है, उसमें उसको साइलेंटली सारे आइडियाज़ अपने लिखने होते हैं। उसके बाद जो उनके पास अपने आइडियाज़ में जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको ब्लैकबोर्ड में लिखना होता है, फिर उन सारे आइडियाज़ में जो सबसे बेस्ट आइडिया होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट इज़ नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। उसके बाद डेल्फी टेक्निक। दिस टेक्निक इज़ यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फिजिकली डिस्पर्स पर्सन बाई मीन ऑफ रिटन क्वेश्चनायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डेल्फी टेक्निक में कि जो मतलब फिजिकली डिस्पर्स पीपल हैं उनको रिटन क्वेश्चनायर दिया जाता है, उसके बाद फिर द रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चनायर आर कलेक्टेड एंड फीडबैक रिपोर्ट इज प्रिपेयर। उसके बाद उसको कलेक्ट किया गया, उसका फीडबैक बनाया गया, फिर उसको मोर मतलब सेकेंड स्टेज पे उसको फिर से क्वेश्चनायर दिया गया एंड फिर उसको एक्सपर्ट को दिया गया फॉर रिएक्शन एंड रीअसेसमेंट, ठीक है। फिर इस तरीके से हम मतलब एक इवैल्यूएट करेंगे फीडबैक रिपोर्ट से, जो फीडबैक रिपोर्ट से जो इवैल्यूएट हो रहा है दैट इज़ डेल्फी टेक्निक, ठीक है। उसके ठीक है, तो दीज आर द क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।